नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं अभिषेक बच्चन की तीन ऐसी मूवी के बारे में जिनकी अपडेट सुनने के बाद यकीन मानिए आपकी तबीयत खुश होने वाली है। पहली अपडेट आती है भोला 2 के बारे में। दोस्तों, मैं भोला 2 के बारे में इसलिए बात करता हूं क्योंकि भोला 2 जो मूवी है वो फुल एक्शन होने वाली है और आज का दौर एक्शन का चल रहा है। और देखा जाए दोस्तों, ये जो मूवी है बॉक्स ऑफिस में वाकई में तबाही मचा सकती है। और देखा जाए, इसी मूवी को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट भी निकल करके सामने आ चुकी है, क्योंकि हाल ही में देखा जाए ट्विटर हैंडल पर भोला 2 को लेकर के अजय देवगन से कुछ सवाल पूछे गए थे, जिसमें उनसे पूछा गया था कि भोला का सीक्वल कब आएगा। और इसी के चलते अभिषेक बच्चन ने जो जवाब दिया है वो जवाब आप भी सुन के खुश हो जाएंगे। दोस्तों, देखा जाए हाल ही में ट्विटर हैंडल पर अभिषेक बच्चन ने ये जवाब देते हुए कहा है, ये सीक्वल नहीं है, ओरिजिनल बोल ओरिजिनल, मौत का चेहरा बदला है, नाम नहीं। यानी कि देखा जाए अभिषेक बच्चन मौत का चेहरा बन करके सामने आने वाले हैं भोला 2 में। और देखा जाए दोस्तों, जब ये मूवी बॉक्स ऑफिस में रिलीज होगी तो वाकई में तबाही मचा देगी। और मैं तो चाहता हूं कि इस मूवी की शूटिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, क्योंकि इस मूवी में अजय देवगन होने वाले हैं। और वैसे भी अजय देवगन अभिषेक बच्चन जब जब बड़े पर्दे पर आते हैं तब तक इन्होंने यकीन मानिए तबाही मचाई है। और देखा जाए बोल बच्चन में भी देखा जाए अजय देवगन ने अभिषेक बच्चन को अपने बराबर का रोल दिया था और अभिषेक बच्चन का उसमें एक्शन भी हम लोगों को जबरदस्त देखने को मिला था। हालांकि देखा जाए वो कॉमेडी एक्शन मूवी थी, लेकिन जो भोला 2 होगी वो फुल एक्शन में होगी। और भोला के जो हम लोगों ने पहले पार्ट में अभिषेक बच्चन की जरा सी झलक देखी थी, वो तबाही जो भोला 2 में मचेगी वो आप सोच भी नहीं सकते। वहीं उनकी जो दूसरी मूवी है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है वो है सुजीत सरकार के साथ। देखा जाए दोस्तों, इस मूवी की शूटिंग अमेरिका में चालू हो गई है और इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा अमेरिका में ही शूट किया जाएगा। और इस मूवी में हैं रोनी लहरी। और देखा जाए दोस्तों, ये मूवी अगले साल तक रिलीज़ हो सकती है। वहीं जो उनकी तीसरी मूवी जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार है वो है दोस्तों साहिल लुधवानी। मैं चाहता हूँ कि संजय लीला भंसाली जो हैं वो इस मूवी की शूटिंग इसी साल के अंत तक चालू कर दें, जिसकी अपडेट भी हम लोगों को मिलती रहती है। और जैसे ही इस मूवी की शूटिंग चालू हो जाएगी और इन तीनों मूवी से जुड़ी जैसे ही अपडेटें बाहर निकलती जाएंगी हम आप तक पहुँचाने आएंगे। दोस्तों देखा जाए अभिषेक बच्चन के पास मूवियां बहुत सी हैं जो कि इस साल देखा जाए शायद कुछ मूवी रिलीज हो सकती है, जैसे कि डांसिंग डैड। और देखा जाए उनकी अगले साल हाउसफुल 5 भी रिलीज होने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपको किस मूवी का इंतजार है? डांसिंग डैड का इंतजार है कि हाउसफुल 5 का इंतजार है कि साहिल लुधवानी का कि भोला 2 का? अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे भोला 2 का इंतजार है, क्योंकि भोला 2 फुल एक्शन मूवी है और अभिषेक बच्चन को बहुत समय से हम लोगों ने ऐसे अवतार में नहीं देखा है जैसे अवतार में अजय देवगन अब अभिषेक बच्चन को भोला 2 में पेश करने वाले हैं। यानी कि बहुत ही खतरनाक लुक और ये फुल एक्शनदार मूवी के साथ। आपकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अभिषेक बच्चन की मूवी से जुड़ी जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।